दोस्तों आपको भी पता होगा कि आजकल के मॉडर्न जमाने में खास करके शहरी क्षेत्रों में लोगों को कुत्ता पालने का बड़ा शौक होता है। कुत्ते को इतना प्यार मोहब्बत करते हैं मानो वो फैमिली का मेंबर हो, और करना भी चाहिए क्योंकि जानवरों को भी उनका पूरा हक है हम इंसानों के बीच अच्छे से जीने का, राइट। लेकिन क्या आप जानते हैं कुत्तों से जुड़ी कुछ अनोखी बातें, और कुत्तों से जुड़े हमारे भारत के संविधान और कानून में कुत्तों को क्या क्या राइट्स यानी कि क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं डॉग्स यानी कि कुत्तों के बारे में बड़ी ही दिलचस्प बातें जो हमारे कानून में अधिकार के रूप में मिली हुई है कुत्तों को। जी हाँ, कुत्ते भी किसी मॉल वगैरह की लिफ्ट में जा सकते हैं। कुत्तों के लिए भी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई है। कानून के मुताबिक अगर किसी के कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया तो उस कुत्ते के मालिक को 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। अगर आप किसी जानवर को पीटते हैं तो 6 महीने की सजा है। यहाँ तक कि गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को भी मारने का अधिकार आपको नहीं है। आइए देखते हैं जानवरों के कुछ ऐसे ही अधिकार। बड़े इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज की बातें आपको जानने मिलने वाली हैं, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको हाल ही की एक घटना बताता हूँ। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में पालतू कुत्ता भौंका तो 63 साल के व्यक्ति ने पूंछ पकड़कर उसे पटक दिया। गुस्साए कुत्ते ने उसे काट लिया। इस पर उस व्यक्ति ने कुत्ते को रोड से मारा। जब पेट ओनर ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी बुरी तरह से पीटा। इसमें लगभग 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 2 दिन पहले की है। मामले में IPC और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। देखिए, पशुओं के प्रति अगर आप क्रूरता करते हो तो क्रूरता करने पर कानून क्या कहता है, इसके लिए एक अलग से अधिनियम बनाया हुआ है। साल 1960 में यह बनाया गया, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम। इसके तहत खचाखच भरे वाहनों में मवेशियों को बांधना गैर कानूनी है। अगर आप किसी बस वगैरह में जा रहे हो जहां लोग बाग फुल भरे हुए हैं तो उसमें मवेशी को आप नहीं बांध सकते हैं। धारा 11 के तहत परिवहन के दौरान जानवर को नुकसान पहुंचाना अपराध है। हानिकारक चीज का इंजेक्शन देना और जहरीला खाना परोसना भी गैर कानूनी है। कुत्तों के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3 के अंतर्गत आता है। हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस या गाय, इनको 50 रुपए से अधिक मूल्य के किसी जीव जंतु को जहर देना, उसे विकलांग करना भी गंभीर अपराध है। इसके लिए 5 साल तक का कारावास और आर्थिक दंड दोनों दिया जा सकता है। देखिए, हाल ही में एक ऐसे मामले, धीरज बताते हैं कि कुत्ते के काटने पर एक मामले में मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया और आरोपी को 6 महीने की सजा हुई। एक अन्य मामले में 5 साल के बच्चे को अपने कुत्ते से कटवाना उसके मालिक के लिए महंगा साबित हुआ। कोर्ट ने पीड़ित बच्चे के माता पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी को धारा 289 में 6 महीने का कारावास और 1,000 रुपए का जुर्माना, साथ ही धारा 324 में 2 साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाकर दंडित किया। देखिए, कुत्तों से जुड़ी कुछ धाराएं। धारा 428 कहती है कि पशुओं को मारना, जहर देना, अफाइज करना बिल्कुल कानूनन अपराध है। इसके तहत 2 साल की कैद हो सकती है, जेल हो सकती है आपको, आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है। वहीं अगर आप ये अपराध धारा 429 के अंतर्गत करते हैं तो आपको 5 साल की सजा, आर्थिक दंड या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी सोसाइटी के लिफ्ट में कुत्ते भी आ जा सकते हैं। उन्हें लिफ्ट में जाने से मना नहीं किया जा सकता है। कोई लिफ्ट में अपने पेट डॉग को लेकर जा सकता है, इसके बदले उसके लिए अलग से पैसे भी नहीं लिए जा सकते हैं। एनिमल के गाइडलाइन में बताया गया कि किसी लिफ्ट में लोग हों और दूसरी लिफ्ट खाली हो तो भी नहीं कह सकते कि कुत्ते को उसमें ले जाएं। जहां आप जा रहे हो वहां आपका डॉगी जा सकता है। पेट डॉग्स के लिए कुछ और गाइडलाइंस देखिए आप। मालिक पर जिम्मेदारी होती है कि कुत्ते रात में ना भौंके। ऐसा नहीं कि आपका कुत्ता अगर रात में भौंक रहा तो पड़ोसी की नींद खराब हो रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कुत्ते को हेल्दी और सांप रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। पड़ोसियों की नींद में खलल नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि कुत्ते को आप समय समय पर वैक्सीन लगाते रहें। बाहर ले जाने से पहले कुत्ते के गले में पट्टा जरूर बांधें। वहीं अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो उसमें आने जाने के लिए आप लिफ्ट का इस्तेमाल कुत्ते के लिए भी ले सकते हैं। और कुत्ते से आप कभी किसी पब्लिक प्लेस को गंदा नहीं करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कुत्ता वहां लेटरिंग कर रहा, टॉयलेट कर रहा है। पब्लिक प्लेस में अगर आपका कुत्ता कहीं गंदगी फैलाता है तो मालिक को उसका साफ करना पड़ेगा। हालिया का एक डेटा देखिए दोस्तों, केरल राज्य का डेटा है सिर्फ ये। पिछले 5 साल में 8 लाख लोगों को कुत्ते ने काटा है। एसोसिएशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज इन इंडिया के मुताबिक इनमें से सबसे अधिक मामले केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से हैं, जहां 42 लोगों की मौत भी हो गई, क्योंकि कई बार कुत्ते काटने से रेबीज की बीमारी हो जाती है। और रेबीज से 36% मौतें भारत में होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में रेबीज से जो जितनी मौतें होती ना, उनमें से अकेले भारत में 36% मौतें होती हैं। एसोसिएशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज इन इंडिया के फाउंडर M.K. सुदर्शन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में हर साल 20,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत रेबीज की वजह से होती है। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि बंदर, बिल्ली या किसी दूसरे जानवर के मुकाबले रेबीज से होने वाली मौतों में 99% कुत्ते के काटने से होती है। अच्छा, कुत्तों का एक और अधिकार देखिए आप। आवारा कुत्तों को मारना भी अपराध है। IPC की धारा 428, 429 और PCA एक्ट 11 के मुताबिक आवारा कुत्तों को आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए नसबंदी की जा सकती है। आवारा कुत्तों को परेशान करने पर आप अपने नजदीकी थाने में शिकायत दे सकते हैं। गले के आवारा कुत्तों को मारना बिल्कुल दंडनीय अपराध है। हालांकि एनिमल सेंटर के जरिए आप उनकी नसबंदी करवा सकते हैं और वापस उन्हें उन्हीं इलाकों में भेजना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, कुत्तों के काटने से जुड़ा एक दिलचस्प शोध देखिए आप कि महिलाओं से अधिक पुरुषों को काटते हैं कुत्ते। जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी
सिटी हेल्थ में छपे एक स्टडी के मुताबिक महिलाओं की तुलना में 80% अधिक पुरुषों को कुत्ते काटते हैं। हालिया एक शोध में बताया गया कि कुत्ते का काटना व्यक्ति की उम्र, जेंडर और उसके व्यवहार पर भी निर्भर करता है। कुत्ते को देखकर घबराने से उसके काटने का रिस्क भी बढ़ जाता है। जबकि इसी तरह के एक अध्ययन में यह भी बताया गया कि बिल्ली जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक काटती है। मतलब बड़ा ही अजीब सा फैक्ट है, राइट? लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है। अच्छा, रेबीज की हमने बात की थी, तो रेबीज से जुड़े कुछ तथ्य मैं आपको बता दूं। जब किसी व्यक्ति में रेबीज के वायरस पहुंचते हैं ना, तो उस पीड़ित व्यक्ति को पानी से भी डर लगने लगता है, क्योंकि रेबीज का वायरस सीधा ब्रेन पर अटैक करता है और इसलिए गुस्से में बड़बड़ाना, घबराहट, बेचैनी और कन्फ्यूजन जैसे लक्षण दिखते हैं। कभी कभी शरीर के एक हिस्से को लकवा भी मार जाता है। इसके अंतिम फेज में पीड़ित को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया साइंटिफिक लैंग्वेज में उस बीमारी को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। पानी पीने से ही नहीं बल्कि पानी को देखने से ही डर लगने लगता है। कई बार पीड़ित को लाइट से भी डर लगता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये कुछ दिलचस्प बातें कुत्तों को लेकर उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी डॉग पालने का शौक है? आप कौन सी प्रजाति का कुत्ता रखना पसंद करते हैं या लाने की सोच रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।